किसानों का आत्मसम्मान को चोट पहुंचा के और आप पानी का टैंकर देके बुलाना चाहते हो, तो किसान की भी एक आत्मसम्मान तो है ना, और टैंकर के उसने दाढ़ी करके थोड़ी खरीद। नमस्कार साथियों, मैं अमन पिलानिया, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, हम फिलहाल हिसार के मैयड़ गांव में है, जहां ये टोल प्लाजा है। आज यहाँ पर स्वर्गीय मांगे राम मलिक उमरा जी की याद में महिला किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। तो हमारे साथ JJP की पूर्व जिला प्रचार सचिव है अन्नु सूरा जी, उनसे हम किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जो ये किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, महिला महापंचायत का, तो इससे लगता है सरकार पर कोई असर होगा? असर तो देखो नगब उच्चा सब तो क्या करें, वाह कहानी कर रखी इन्होंने, असर तो अब तक हो जाना चाहिए था। लेकिन ये तो एक सिर्फ एक ट्रेलर आप कह सकते हो कि एक बार कणकाम बढ़ रहे हैं, उसके बाद ये सारी भीड़ टोलों पे या दिल्ली शिफ्ट होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि अभी कणकों का सीजन है। सिरसम तो आउली, तो उसमें अभी लोग तो समय कम दे पा रहे हैं, उसके बावजूद इतनी भीड़ है, महिलाएं आ रही हैं। तो ये महिलाओं तक, बच्चों तक ये बात पहुंची हुई है काले कानूनों के बारे में, ये बताना सरकार को मकसद है। सरकार तो कह रही है जो फसल कटाई का समय है, आंदोलन पर असर होगा, भीड़ भी कम हो जाएगी। देख ले सरकार आके, भीड़ कम हुई है कि नहीं हुई है। और सरकार का कहना क्या चाहती है सरकार की, किसान अपना काम कर रहा है तो भीड़ कम हो जाएगी, तो इसमें सरकार कहना क्या चाहती है? भीड़ कम हो जाएगी तो कोई दमन करने की सलाह है क्या? आप पहले JJP में जिला प्रचार सचिव थे हिसार से, तो आपने क्या कारण था जो आपने जो पार्टी से इस्तीफा दे दिया? कारण तो किसान ही थे जी। देखो सीधी सी बात है, हमारा ये था कि BJP के अगेंस्ट जो ताकत खड़ी है हम उसको सपोर्ट करें, लेकिन ये तो BJP में जाके मिल गए। चलो गठबंधन भी हमने बर्दाश्त कर लिया था, क्योंकि पहले भी गठबंधन होता है अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के, BSP से भी हुआ था, आम आदमी पार्टी से भी हुआ था। गठबंधन की राजनीति कई बार करनी पड़ती है दो वोटरों को आपस में मिलाने के लिए, लेकिन ये तो बिल्कुल गोद में जाके बैठ गए। जिस वर्ग से इन्होंने वोट लिया, किसान समुदाय से, उसी के खिलाफ जाके BJP गोदी में बैठ गए, तो फिर वो बर्दाश्त नहीं। हेलो जी, जब से किसान आंदोलन चला हुआ है हरियाणा में, BJP JJP नेताओं का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। अब कुछ दिन पहले हिसार में दुष्यंत चौटाला का प्रोग्राम था, उन्होंने प्रोग्राम अपने 2-3 अटेंड भी किए हैं, किसानों ने विरोध भी किया है। उसी में जो भाजपा नेत्री है सोनाली फोगाट, उन्होंने कहा है कि दुष्यंत प्रोग्राम करके चला गया, किसानों ने क्या उखाड़ लिया? देखो पहले तो मैं ये बता दूं कि जिस दिन दुष्यंत का प्रोग्राम था उस दिन मैं वहीं पे थी, चोटें भी लगी थी हमारे को, तो एयरपोर्ट पे वो उतर गया, ठीक है, बाहर हम खड़े थे। उसके बाद देखो किसान आता है ट्रैक्टर पे, किसी के पास चलो कोई 4-व्हीलर भी ले आया, कोई मतलब और कोई साधन ले आया जो उपलब्ध हुआ, तो अब हवाई हेलीकॉप्टर का मुकाबला तो देखो ट्रैक्टर नहीं कर सकता। उसको एयरपोर्ट से नहीं निकलने दिया, उसके बाद कई देर तक तो बैठा रहा, फिर उसने चकमा देने की कोशिश करी, हेलीकॉप्टर तो चंडीगढ़ की तरफ घुमा दिया, कोई पिछले रास्ते से रास्ता बना के वो तोड़ के जो दीवार थी वो इस मतलब वहाँ से गाड़ियाँ निकाली, तो किसानों को लग गया कि ये चंडीगढ़ की तरफ भाग गया। लेकिन फिर वही उसी हेलीकॉप्टर में बैठ के एक ही शहर के अंदर 2 किलोमीटर जाने के लिए अगर उनको हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ती है तो हार तो वहीं दिख जाती है। उसके बाद मैं बताती हूँ, पता चल गया किसानों को कि भाग लिया, छुप के भाग गया। उसके बाद किसानों ने जो रणनीति बनाई कि आगे किसी की छोरी का ब्याह है, हमें किसी की लड़की का, किसी की बेटी का ब्याह नहीं बिगाड़ना, वरना पहुंच भी वहां जाते, पर यूं हो गया ले किसी की बेटी का ब्याह, बेटी तो सब किसीर की होया करें। तो उस करके सलाह बनाई कि यहाँ से तो छुप के भाग गया लेकिन कोठी में नहीं बढ़ने देंगे, और कोठी में नहीं बढ़ने दिया हमने। उसके बाद आपने कहा सोनाली फोगाट, तो देखो वही बात, क्या जिक्र करना है, सौदा है कुछ नहीं। सोनिया जो बड़ौदा है उन्होंने भी कहा था कि हम दुष्यंत चौटाला को उचाणा में आमंत्रित करेंगे, प्रोग्राम करवाएंगे अगर वीरेंद्र सिंह का विरोध किसान नहीं करते हैं तो। वीरेंद्र सिंह का किसान विरोध नहीं करते हैं? हाँ। वीरेंद्र सिंह को किसान जानते ही नहीं, मैं बताती हूँ, वीरेंद्र को तो वोट ही यहाँ पे हिसार लोकसभा में मिल गया मोदी के नाम का, जब तो लोगों के सीढ़ी चढ़ रही थी मोदी घर घर मोदी। दुष्यंत चौटाला हरियाणा सरकार में उपमुख्यमंत्री है, उनका विरोध ज्यादातर हो रहा है जिले में, चौधरी रणजीत सिंह भी देवीलाल के लड़के हैं, उनका विरोध क्यों नहीं हो रहा इतना? देखो कारण है, BJP से भी ज्यादा प्रखर विरोध JJP का इसलिए हो रहा है क्योंकि JJP को वोट BJP के अगेंस्ट मिला था, BJP से तो किसान ने कदे उम्मीद ही नहीं करी ना, वो तो पता ही है व्यापारियों की पार्टी है।
तो जो अपना ही नहीं है उससे क्या उम्मीद करना। उम्मीद को तोड़ा तो इन्होंने है ना, तो इनका विरोध ज्यादा है। ये बात इनको समझनी चाहिए कि तुम्हारा वोटर सड़कों पर बैठे है, शर्म की बात है। दुष्यंत चौटाला आज उप मुख्यमंत्री है, सरकार में जो नेता होता मंत्री होता जनता की सेवा करने के लिए होता है। अभी दो दिन पहले दुष्यंत चौटाला ने हिसार के कुछ गांव में पानी के टैंकर दिए थे, अपनी सेवा भाव से दान किए थे उन्होंने पानी के टैंकर, लेकिन किसानों ने वापस कर दिए, क्यों? देखो, किसानों का आत्मसम्मान को चोट पहुंचा के और आप पानी का टैंकर दे के बुलाना चाहते हो, तो किसान की भी एक आत्मसम्मान तो है ना। और टैंकर के उसने दाढ़ी करके थोड़ी खरीद के दिए थे, सरकार का पैसा जनता का पैसा फेर लिए जाएंगे, सारी सरकारें करती हैं काम, एहसान नहीं करते। अगर ये कोई छोटा मोटा पानी का टैंकर दे देते हैं ना तो कोई एहसान नहीं है भैया, राज्य भी इसी ने बनाए, इसी जनता ने बनाए थे। अरे तुमने तो टैंकर दिया, इन्होंने चंडीगढ़ ही दे दिया, ये भी सोचना चाहिए जनता को। किसानों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा के आप 2-5 टैंकर बांट के और ये सोच रहे हो ये बुड़ जाएंगे, इतने किसान भोले नहीं है। अनुजी, हम आज की मौजूदा हालात की बात करें, जो किसानों की आवाज उठाता है उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। हम आज की बात करें, जो धर्मेंद्र हुड्डा है, इनेलो पार्टी के आईएसओ के प्रेसिडेंट भी हैं और शुरुआती दिन से ही टिकरी बॉर्डर पर अपना टेंट लगाया हुआ, पहला टेंट उनका है, तो उन्होंने कुछ दिन पहले फेसबुक पर लाइव भी आए थे, उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को जनरल डायर कहा था, तो रोहतक की जो साइबर पुलिस है उन्होंने उसके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी के आधार पर केस दर्ज कर लिया। देखो, आपत्तिजनक इसमें क्या है, ये तो जो जैसा हरकतें कर रहे हैं वैसे पब्लिक बह रही है, लेकिन इनका यही ना दमन की राजनीति है। जिस दिन ये दुष्यंत आना था उस दिन हमारे घरों में पहुंच गए थे CIA वाले, बोले कहाँ पे हैं, आपके फोन नंबर दो, हमारे फोन भी टैप करते हैं ये जो भी एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर रहे हैं ना। अच्छा, फिर एक चीज जो मतलब मैं जो मैसेज मैं देना चाहती हूँ, जैसे मैं किसान परिवार से हूँ, मैं सच बोलती हूँ, कई साल से हम शहर में रह रहे हैं तो अब मैं खेती से जुड़ी हुई नहीं है, तो कहते हैं तुम तो किसान ही नहीं हो। अरे किसानों के बच्चे हैं हमारे, कुणबा तो गाँव में बैठे है, अब उनके पास संसाधन नहीं है, मेरी चाची ने तो भैंस नहीं लेनी है, तो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हम। अब ये सोचते हैं भाई किसान ये असली किसान नहीं है, अरे असली किसान का क्या मतलब है, हमारा पेट भर गया तो जो मारकुंडा गांव में बैठे हम उसकी परवाह ना करें क्या, वो तो काम में उलझ रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम आए। तो ये तो इनका दमन का है, अड्डा बोलना और दमन करना, ये इनकी नीति। अनुजी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, भारत कृषि प्रधान देश है, किसान आंदोलन के चलते 300 से ज्यादा किसान भी शहीद हो गए हैं, प्रधानमंत्री चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे किसान आंदोलन को लेकर, लेकिन जब चुनाव में 300 से ज्यादा किसान दिल्ली बॉर्डर पर शहीद हो गए हैं उनके लिए एक शब्द नहीं कहा, लेकिन जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कोरोना हो गया उनके लिए ट्वीट किया कि वो जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन किसानों के लिए एक ट्वीट कोई बयान नहीं दिया आज तक, नहीं दिया, यही तो शर्म की बात है ना। इनका जो राजनीति करने का तरीका है, देखो पहले अलग पार्टियों के राज रहे हैं तो इनको अपना एक वोट बैंक बनाना था, तो ये वोट बैंक पकाते हैं, मतलब इस तरह की हरकतें करके समाज के एक वर्ग को आप इतना अलगाव पैदा कर दो कि बाकी आपकी तरफ हो जाएं, फिर आपको अपने काम नहीं बताने पड़ेंगे ना। अब इनकी राजनीति यही है कि ये किसान हैं बैठे रहे हैं, अब शहर वाले ताली बजाएंगे कि मोदी इनकी नहीं मान रहा, इनको रोंद दिया, लेकिन तुम ये तो सोचो गदड़ो तुमको क्या मिला। किसानों का जो बंगाल चुनाव में गए हैं किसान कमेटी, जो किसान नेता गए, कोई असर लगेगा आपको, लगता हूँ आप होगा किसान कमेटी, जो किसान कमेटी बंगाल चुनाव में गए हैं विरोध करने के लिए BJP का, किसानों को वहां पर जगाने के लिए, आपको लगता है वहां पर चुनाव में कोई असर होगा? देखो असर तो होना चाहिए, बाकी मैं देखो मेरी स्पष्ट बात कहने क्या जाता है, बंगाल में ग्राउंड में क्या हो रहा है यहाँ हरियाणा बैठ के मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि बंगाल में जो दीदी है महिला शक्ति है वो इनको रगड़े, हम तो ये यहां से प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं, बाकी असर तो देखो किसान गए हैं तो होगा। चलो धन्यवाद, धन्यवाद जी। तो साथियों, ये थे हमारे साथ अन्नू सूरा, जो JJP के पूर्व में जिला प्रचार सचिव थी, अब मौजूदा उन्होंने इनेलो पार्टी ज्वाइन कर लिया है, उन्होंने बताया है जो किसान आंदोलन के हालात और हरियाणा की राजनीति के बारे में। तो साथियों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, अगर यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, अगर यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।